श्रेया खन्ना एंड वंदना प्रियदर्शन। श्रेया खन्ना फ्रॉम नवयुग, फ्रॉम नवयुग। चीयर कर रहे हैं बच्चों को, चीयर कर रहे हैं, खुशी तो होती है। वंदना प्रियदर्शी फ्रॉम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, और आप भी कुछ वहां से हमारे टीचर जीसी सर यहां पे आए हुए हैं, उनके हाथों से आप प्राइज ले रही हैं, आपके लिए स्वर्णिम अवसर है। बढ़िया, आगे भी जो बेस्ट हो वही ले जाओ हर जगह, जहाँ कहीं भी रहो नंबर एक। थैंक यू सर, थैंक यू फॉर योर प्रेशियस वर्ड्स। अकॉर्डिंग टू सी डब्ल्यू डगलस, हैप्पी मेमोरीज कीप द पास्ट एवर प्रेजेंट, टुडेज ब्यूटिफुल मोमेंट्स आर टुमारोज ब्यूटिफुल मेमोरीज। सो आई थिंक द सेमिनार that you people who are present right now, you have taken away some of the very good things, and you the memories will be very happy memories, I hope. And now, without wasting any time, I request our very dynamic and energetic in the morning, in the inaugural session, the book released is from the book is by Professor Manjula Upadhyay, Dr. Neha Agarwal, and Dr. Pratima Ghosh. And just now, it has been told to me that this is to be gifted to our honorable guests. So, our all three writers are here. So that's an honor and privilege for me to be a part of this moment. तालियों में वो खनक नहीं है, वो भीड़ नहीं है जो बता सके कि हाँ आप में एक ऊर्जा है और आप जो है अभी भी जागे हुए हैं, सोए नहीं है। So love is life's greatest gift. Love fills heart with happiness. And I think the energy that is very infectious of our principal, Professor Manjula Upadhyay, who keeps us all the time working one or the other thing, I request her to come upon the stage and please give the customary vote of thanks. Good evening, everybody. क्योंकि सुबह मुख्य अतिथि के आने का समय में कुछ ऐसा व्यवधान हुआ कि मेरा जो वेलकम एड्रेस थी वो बहुत अच्छी नहीं हो पाई, या मैं उसको ठीक से कर नहीं पाई कहेंगे, पर मैं वोट ऑफ थैंक्स जो है सुबह से लेके अभी तक के सेमिनार का एक साथ ही देना चाहूँगी। तो मंचस्थ अतिथियों से क्षमा चाहूँगी कि जो पहले सुबह से लोग आ चुके उनको भी अभी धन्यवाद देंगे। सबसे पहले तो आज से 15 दिन पहले ये बताना चाहूंगी कि वैसे तो सेमिनार्स जो हैं वो 2-3 महीने पहले तैयार हो जाते हैं उनके ब्रोशर्स, पर ये 15 दिन में ये पूरा सेमिनार डिसाइड हुआ, सारी कमिटीज बनी और 300 के ऊपर रजिस्ट्रेशन भी हुए और 200 के करीब अब्स्ट्रैक्ट्स और पेपर आगे आने वाले हैं, प्रॉमिस किया लोन और कई सारे पेपर्स प्रेजेंट भी हुए। तो एक जो सक्सेसफुल सेमिनार की सारे गुण होते हैं वो इस सेमिनार में हुए, इसके लिए जोरदार तालियां सभी नवीन कन्या महाविद्यालय परिवार के। वैसे मैंने कहीं सुना था कि जो वोट ऑफ थैंक्स दे वो कभी ये ना कहे कि बहुत ही सक्सेसफुल सेमिनार रहा, मतलब अपनी पीठ खुद ना थपथपाए, पर ये नवयुग कन्या महाविद्यालय के लिए मेरे आने के बाद बहुत ही स्वर्णिम मैं कहूँगी समय है कि कितना सक्सेसफुल सेमिनार रहा। सुबह 8 बजे से अभी 6 बजे तक लोग यहाँ हैं, कितनी देर शिक्षकों की काम करने की आदत नहीं होती है, और मैं जो है अभी अनाउंस कर देती हूँ तो तालियां शायद और बच जाएंगी कि थोड़ा प्रेशर चारों तरफ से पड़ा तो कल की छुट्टी डिक्लेयर ही नहीं। मैं हमारी जो मुख्य अतिथि हैं
उन्होंने दो दिन पहले ही हमारी उनसे वार्ता हुई और बहुत ही सहजता और सरलता से उन्होंने स्वीकृति दी। और कोई मंत्री अपना नंबर नहीं देता, पर उन्होंने अपना नंबर भी दिया और मुझे इतनी डाउन टू अर्थ और ग्रास रूटेड लेवल पॉलिटिशियन वो लगी। वो अलग बात है कि आज कुछ व्यवधाना वो भी उनकी ग्रास रूटिज्म का जो है वो द्योतक है कि उनके क्षेत्र में कोई ऐसी घटना हो गई थी इसके लिए वो वहीं पर थी और सुबह 4 बजे वो आई थी और हमारे महाविद्यालय में सिर्फ आधा पौन घंटे ही लेट हुआ कार्यक्रम, पर वो आई तो इस और वो भी 60 अबव के एज पे इतनी एनर्जेटिक लेडी पॉलिटिशियन को देखना ये मुझे लगता है वर्तमान सरकार ही करवा सकती है। उनको मैं हृदय से धन्यवाद देती हूँ कि वो उन्होंने हमें समय दिया हमारे कॉलेज में। उस समय जो इनॉग्रल सेशन था उसमें काफ़ी छात्राएं और इससे दुगने और पार्टिसिपेंट्स थे, कुछ लोग खड़े भी थे, तो उनको उन्होंने संबोधित किया और उन्होंने अपनी एक इच्छा व्यक्त की है कि वो कभी छात्राओं से ही सिर्फ रूबरू होना चाहेंगी और उनके समक्ष कुछ बातें रखना चाहेंगी, तो वो हम कभी आगे प्लान करेंगे, तो उनका हृदय से धन्यवाद। हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर अनुराग शर्मा जी जो वाइस प्रेसिडेंट हैं यूपी स्टेट हायर एजुकेशन काउंसिल के और वो डिफरेंट यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में विजिट पर जा रहे हैं, जो नई शिक्षा नीति है सरकार की और जो शासन की मंशा है उसके बारे में अपना उद्बोधन देते हैं, उनका भी हृदय से धन्यवाद है। हमारे सेशन चेयर और मेरे गुरु प्रोफेसर मनोज अग्रवाल जी जो लखनऊ विश्वविद्यालय में जहाँ की मैं एलुमनाई भी हूँ और वहाँ के इस समय हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं और विभिन्न संगठनों और सामाजिक क्षेत्रों से जुड़े हैं, आपका भी हृदय से धन्यवाद। की नोट स्पीकर स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी, जो लोग सुबह से अभी तक मौजूद हैं उन्होंने देखा होगा कि इतनी यंग डायनेमिक और मोटिवेशनल स्पीकर मैंने सुना था, पर मैंने वाकई में अभी तक यूट्यूब पे नहीं देखा था, सुनती थी कि वो मोटिवेशनल स्पीकर हैं, आज मैंने उनको सामने से सुना और किस तरीके से आप किस अपनी स्किल्स को एनहेंस कर सकते हो और कभी भी शासन की आप पे नज़र पड़ सकती है और आप एक ब्रांड एम्बेसडर इतने बड़े G20 में महोत्सव ही कहूँगी उसी की तरह मनाया जा रहा है जिसमें कि सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से लेके स्कूल कॉलेजेस से लेके सरकार के सभी अंग सिर्फ भाग ही रहे हैं, तो उसके लिए भी उनका भी स्क्वाड्रन लीडर तुलिका रानी जी का भी बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद कि वो हमारे बीच आई और हमारी छात्राओं और हमारे गेस्ट को उन्होंने अपने उद्बोधन से अनुग्रहित किया। फिर हमारा जो प्लेनरी सेशन था उसमें प्रोफेसर ऋतु त्रिवेदी जी, प्रोफेसर जया श्रीवास्तव जी बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर अनिल मिश्र जी लखनऊ विश्वविद्यालय से, प्रोफेसर रश्मि सोनी जी जो साइकोलॉजिस्ट हैं, प्रोफेसर रोली मिश्रा जो इकोनॉमिस्ट हैं, तो हम ये अगर मैं आप सभी का हृदय से धन्यवाद देती हूँ जो भी प्लेनरी सेशन में हमारे स्पीकर्स थे और वो सेशन काफ़ी लंबा भी चला पर बहुत ही मतलब मुझे लगता है हम सभी लोग बहुत लाभान्वित हुए होंगे और कॉलेज की कुछ टीचर्स तो क्योंकि डिफरेंट कमिटीज में थी तो बिजी थी तो शायद ना सुन पाई हूँ, पर ये सारे जो भी लेक्चर्स हुए हैं वो रिकॉर्ड हुए हैं और हम चाहेंगे आगे आप सुने, तो आप सभी का हृदय से धन्यवाद। लंच के बाद हमारे दो टेक्निकल सेशंस ऑफलाइन हुए जिसमें कि प्रोफेसर आभा बिश्नोई जी और डॉक्टर नहीं प्रोफेसर अनीता वाजपेयी जी ये सोशियोलॉजिस्ट हैं और आभा बिश्नोई जी केमिस्ट्री की हैं, दोनों लोगों ने सेशन चेयर किया और जैसा कि रिजल्ट्स अभी नेहा ने आपको बताया और बहुत सारे रिसर्च स्कॉलर्स और टीचर्स ने अपने पेपर्स प्रेजेंट किए। दूसरे टेक्निकल सेशन में चेयर रही प्रोफेसर दीपा द्विवेदी और प्रोफेसर नीतू सिंह, प्रोफेसर दीपा द्विवेदी जी हॉर्टिकल्चर विभाग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी से, प्रोफेसर नीतू सिंह विद्यांत हिंदू पीजी कॉलेज से हैं, एंथ्रोपोलॉजी इनका विषय है जिसमें कि सोशल एंथ्रोपोलॉजी में इनका स्पेशलाइजेशन है और मैडम कल्चर पे बहुत काम कर रही हैं और सरकार की के प्रोजेक्ट पे जो कि ड्राफ्ट लेके आएगा उसकी आप मेंबर हैं, आपको भी हृदय से धन्यवाद कि आपने अपना वैल्यूबल टाइम हम लोगों को दिया और हमारे टेक्निकल सेशन को चेयर किया, क्योंकि टेक्निकल सेशन चेयर करने में बहुत लोगों को सुनना पड़ता है और टीचर की सुनने की आदत नहीं होती, तो आपका भी हृदय से धन्यवाद। टेक्निकल सेशन जो ऑनलाइन हुआ था उसमें कोऑर्डिनेट कर रही थी जैसा आपको बताया प्रतिमा घोष जी और समाना आबिदी जी,
और इसके जो ऑनलाइन सेशन चेयर थे डॉक्टर विजय सिंह सोलंकी, उनका भी हृदय से धन्यवाद कि उन्होंने एक पूरा का पूरा सेशन ऑनलाइन, मुझे लगता है 25-30 प्रेजेंटेशन से उसको उन्होंने मैनेज किया और उसके रिजल्ट को डिक्लेयर किया। आपका भी हृदय से धन्यवाद। हमारे वेलिडेटरी सेशन जो अब मैं आती हूँ कि हमारे मंचस्थ अतिथि वाइस चांसलर प्रोफेसर एनबी सिंह जी, जो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर हैं, काफ़ी देर 4 बजे से हम लोग के साथ हैं, करीब 2 घंटे होने वाले हैं। और एक वीसी का इतना हसमुख व्यक्तित्व, ये हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है कि एज एन एडमिनिस्ट्रेटर भी हम विभिन्न चुनौतियों का सामना करते हुए भी ऐसे ही हंसते हंसाते रह सकते हैं। और आपका विषय इंजीनियरिंग का है, फिर भी आपको कहीं से उनके वक्तव्य में लगा नहीं होगा। आपका हृदय से धन्यवाद कि आप हमारे बीच आए और हमारे कॉलेज में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की कुछ रिसर्च स्कॉलर भी हैं, शायद राशि आपके यहाँ से पीएचडी कर रही हैं और अभी तो अवार्ड आपने दिया ही, तो ऐसे ही आप पार्टिसिपेशन के लिए एनकरेज करें, क्योंकि जो कॉलेजेस होते हैं हमारी शिक्षा प्रणाली ऐसी है कि वो यूनिवर्सिटी से कमतर ही नापे जाते हैं, भले क्योंकि जबकि इंफ्रास्ट्रक्चर और फंड्स और सभी तरीके से देखिए तो कमतर होते हैं, पर टैलेंट्स में कमतर नहीं होते हैं। और जो हमारे दूसरे गेस्ट हैं वैलिडिटी सेशन के प्रोफेसर आरपी सिंह जी, इनसे मैं एक कमिटी में ही मिली प्रिंसिपल के, और वहाँ पर मैंने आपसे आग्रह किया और आपने उस आग्रह को स्वीकार किया। कल कुछ ऐसा असमंजस आया कि सर की वाइफ बहुत बिजी थी और छोटे बच्चों के साथ दिक्कत होती है, हम सभी लोग फेस कर चुके हैं। तो वुमेन एम्पावरमेंट का सर ने, मैं ये मानूंगी कि हम बात करते हैं, पर सर ने तो उसको सपोर्ट किया अपनी बेटी के ध्यान रखने के लिए और उनकी वाइफ जॉब पे हैं उस चीज, तभी महिलाएं काम कर पा रही हैं। मैं भी सुबह से शाम अगर यहाँ हूँ तो अगर बैकिंग सपोर्ट नहीं होगा तो ये नहीं कर सकते हैं हम सब, कोई भी महिलाएं। ऐसे ही महिलाएं भी पुरुष को भी सहयोग करती हैं, उसी तरीके से पुरुष भी अब महिलाओं को सहयोग करने लगे हैं, ऐसा नहीं कि सभी करते हैं। यहाँ पे बहुत देर पार्टी, मेरे घर में ये नहीं होता, मेरे घर में तो वो नहीं होता, पर ये अपवाद हैं। ज़्यादातर जो अगर हम जनरलाइज पॉपुलेशन में देखें अभी भी विभेद है, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इज देयर, और इसी तरीके इसी वजह से समय समय पर हमको ऐसे सेमिनार संगोष्ठियों को करवाने की आवश्यकता पड़ती है। हम सेमिनार संगोष्ठियाँ अपने कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में, एसी रूम्स में करते हैं, तो इसलिए हमको शायद वो चश्मे से वो चीज़ें नहीं दिखती हैं, पर अगर हम जमीनी लेवल पे जाएं, यहाँ तक कि हम अगर अपनी मेट्स की से ही बात करें और जो है जो ग्रामीण क्षेत्रों में निवास कर रही महिलाएं उनसे भी बात करें तो आपको यथास्थिति बहुत हद तक पता चलेगी। और यहाँ तक ये भी है कि बहुत सारी जो है पढ़ी लिखी भी महिलाएं, ये बात जरूर है हम आप भी फेस करते हैं, भले उसको मंच से स्वीकार ना करें कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमतर रह ही जाता है। तो इसलिए ये इन मुद्दों पर प्रोफेसर आरपी सिंह ने बात रखी और उन्होंने एक तरीके से उसके मैं कहूँगी कि एग्जाम्पल हैं कि उन्होंने आज ही सपोर्ट किया और वो हमारे बीच हैं, तो मैं इनकी वाइफ को ही धन्यवाद दूंगी कि वो आरपी सिंह जी हमारे बीच हैं। और आपके उद्बोधन से मैं कई बार सुन चुकी हूँ, क्योंकि आप फॉरेन स्टूडेंट्स का जो ऑर्गेनाइजेशन है लखनऊ यूनिवर्सिटी का, क्योंकि अब AA++ यूनिवर्सिटी होने के नाते वहाँ पर फॉरेन सिटीजन्स जो हैं बहुत काफ़ी एडमिशन्स हो रहे हैं, तो आप उसको पूरा वो देखते हैं, तो आपका हृदय से धन्यवाद कि आपने समय दिया। प्रोफेसर अनुराधा तिवारी जी को मैं क्या कहूँ, वैसे तो मुझे छोटी बहन कहती हैं और हमेशा ही मोटिवेट करती हैं, पर मैं आपको एक आदर्श के तौर पे देखती हूँ कि आप ऑलमोस्ट रिटायरमेंट के कगार में हैं, पर रिटायरमेंट जॉब से रिटायर होने की उस पर होगी, पर आप इनको देख